क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, वैल्यू या वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट हमारी ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, और सेकंड हमारी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। दोनों के ही रियल रूट्स हैं, मतलब दोनों के एक साथ सेटिस्फाई करें वो के की वैल्यू, और दोनों के क्या है रियल रूट्स हैं। वो वैल्यू भी हो सकती है और ब्रैकेट में एक्स लगा रखा है तो वो दो वैल्यूज भी हो सकती है, चेक करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन से ही पता लगेगा। तो बेटा रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है बता सकते हैं, सिर्फ रियल लिखा हो, इक्वल या अनइक्वल ना लिखा हो, तो फिर आप क्या लिखोगे डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, और दूसरी इक्वेशन का भी मैं क्या निकालू बेटा डिस्क्रिमिनेंट, दोनों के अलग अलग होंगे, दोनों के क्या होंगे डिस्क्रिमिनेंट अलग अलग होंगे। तो एक का नाम मैंने डी वन रख दिया, एक का नाम डी टू रख दिया, डिस्क्रिमिनेंट वन और डिस्क्रिमिनेंट टू, उससे क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो पहले का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया बताना बेटा, बी स्क्वायर, पहली का जो बी है वो के है, के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए वन है और सी 64 है, तो पहली का डिस्क्रिमिनेंट है के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो टेंथ के कई बच्चे रट लेंगे, लेकिन मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ बात, सुन लो ये बात। टेंथ का बच्चा रटता है, इवन टीचर भी कह देंगे हाँ ये है। अभी मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, आप समझोगे यार ये तो आर डी एलिमेंट्स अभी कहीं दे नहीं रखती है बात से। तो देखते हैं अगला स्टेप, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे ही ना बुक्स में ढंग से कर नहीं रखा, मैं आपको बताऊंगा क्या बेटा k की क्या वैल्यू पुट करूं, या तो वो 256 है क्योंकि इक्वल का अपनी साइन है ग्रेटर देन और, या वो 256 से बड़ा है, देखो 16 या 16 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां तक तो बच्चा सोच लेता है, लेकिन बच्चा ये नहीं सोच पाता कि -16 का स्क्वायर भी क्या होता है और -17 का स्क्वायर प्लस का 289 जो कि 256 से बड़ा ही होगा। तो बुक्स वाले यहाँ पे मार्क खा जाते हैं, यहाँ पे आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत पड़ेगी जो 11 12 का मैथ्स भी साथ साथ पढ़ाता हो। ठीक है बेटा, आप टेंथ के किसी भी बच्चे से पूछोगे वो पता है कहेगा, वो बिल्कुल ठीक कहेगा, गलत नहीं है कि सर के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, लेकिन यहाँ पे 16 या 16 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, ना होगी। लेकिन कई बच्चे ये नहीं सोच पाते कि के अगर लेस देन और इक्वल टू -16 पुट करूं तो भी हो सकता है, देखो -16 का स्क्वायर, लेकिन उसने एक बात बोल लिया क्वेश्चन के अंदर फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, उसने क्या बोला बेटा, तो ये हम नहीं लेंगे, लेकिन एक बार दिखाना तो पड़ेगा। बुक्स वालों ने ये कमी छोड़ रखी है, चीज बताई नहीं उन्होंने, के इज लेस देन और इक्वल टू -16 का मतलब -16 पुट करोगे तो इक्वल ही आ जाएगा, -17 पुट करोगे तो ग्रेटर आएगा, -18 मतलब के की वैल्यू -16 है उससे छोटी भी पुट करोगे तो भी ये सेटिस्फाई है, क्या सेटिस्फाई है, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 256। ठीक है, बोलो ये बात समझ आई, लेकिन वो हमने रिजेक्ट करना है ये वाली चीज, बताओ किस लिए रिजेक्ट करना है, क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, तो ये रिजेक्ट करके आनी है बिकॉज़ के इज पॉजिटिव इन द क्वेश्चन, तो एक स्टेप करके आना, ये बहुत अच्छी अच्छी किताबों ने इसका मिस कर रखा है, बट आई विल टीच यू हाउ टू थिंक क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पे आगे, तो यहाँ पे कौन सी बात रहेगी फिर, इसका मतलब के, इससे क्या निष्कर्ष निकला, जब के पॉजिटिव है तो ये वाली बात तो होगी नहीं, तो क्या निष्कर्ष निकला, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। ठीक है, बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ आएगी। अब दूसरी का डिस्क्रिमिनेंट निकालो बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा दूसरी क्वाड्रेटिक का, बी स्क्वायर ठीक है 64
माइनस फोर के इस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो 64 और फोर के उधर ले गया, फोर के इज लेस देन और इक्वल टू 64। तो यहां से के क्या आया बेटा, इधर कर दू छोटा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं इस वाली क्वाड्रेटिक पे काम करूँ जिसका डी टू निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये तो डी टू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रख के यहाँ तक पहुंच गया हूँ मैं, 64 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के, 4 नीचे ले आऊं जो है या तो वो 16 के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ के जो है या तो वो 16 के इक्वल हुआ या फिर वो 16 से छोटा हुआ, तो इसको यू भी लिख सकते हो के इज लेस देन और इक्वल टू 16। पहली क्वाड्रेटिक से क्या पता लग रहा है के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। दूसरी क्वाड्रेटिक से क्या पता लग रहा है जे इज लेस देन और इक्वल टू 16, तो कॉमन वैल्यू क्या है जो दोनों जगह है, हाँ वहां पे के इक्वल टू 16 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन वहां पे जो दूसरी वाली वैल्यू है वो 16 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे छोटी, वो तो कॉमन थोड़ा ना, कॉमन तो जो दोनों जगह आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा के इज इक्वल टू 16। तो आंसर एक ही लिख के आएंगे, आंसर इज के इज इक्वल टू 16। तो ये बात समझ आई या नहीं आई, ये बहुत बच्चे गलतियां करके आते हैं ऐसी ऐसी।